मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्रधानमंत्री सम्मान योजना किसान सम्मान किसान भाइयों, बड़ा अपडेट यहां पर आपको मिलने वाला है, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके करोड़ों किसान भाई 17वें इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यहां पर 28 फरवरी 2024 को जो है यहां पर 16वीं किस्त जारी कर दी गई थी, तो अब यहां पर है 18वीं यानी 17वीं किस्त का इंतजार। तो ये इंतजार अब आपका खत्म हुआ, क्योंकि ये पैसा आपको खाते में कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट में लगभग 9 करोड़ किसान भाइयों को जो है वो यहाँ पर पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पर करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो वो इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है और यहाँ पर आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिख के दे दिया गया है, हम ये भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे और ये पैसा किन किन किसान भाइयों को मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। सारा कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। किसान भाइयों, बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर यहाँ पर आ गया है। करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है कि ये पैसा कब आएगा, और काफी सारे किसान भाई ऐसे थे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी यहाँ पर एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा भी दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जिन किसान भाइयों को पहले पैसा नहीं मिला था तो उनको भी यहाँ पर पैसा दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़ा बड़ा अपडेट भी दे दिया गया है। आप यहाँ पर जो मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी आकर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण किसानों को ई केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, और आपकी अगर ई केवाईसी कंप्लीट है तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको तीन चीजें अनिवार्य है। नंबर एक पे जो आता है आपकी आधार शेडिंग होनी चाहिए, लैंड शेडिंग होनी चाहिए और केवाईसी होनी चाहिए, और एफटीओ जो है वो यस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत पंजीकरण किसानों को ई केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो योजना है जो शुरुआत की गई है यहाँ पर किसानों को काफी लाभ दिया जा रहा है, और 17वीं इंस्टॉलमेंट के साथ यहाँ पर किसानों को पैसा भी मिलेगा और पास आपको मिल सकता है, और ये बड़ा तोहफा होगा जो कि किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको ट्विटर अकाउंट यानी जो पीएम मोदी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि ये पैसा आपको कब तक रिसीव होगा और कितने रुपए का होने वाला है। वैसे तो हम आपको बता दें काफी सारी राज्य सरकारें जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए दे रही है, यानी 2,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं और 2,000 रुपए राज्य सरकार आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस अकाउंट पे ही आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के लिए जो है वो पैसा यहाँ पर मिल चुका है। 11 करोड़ से विश्वास के साथ सबसे बड़ी योजना जो है वो डीबीडी की योजना के माध्यम से जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये जो मिलते हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत ये सबसे बड़ी बेनिफिट डीबीडी योजना है जिसके तहत किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में देखने को मिलता है और किसानों को जो है वो पैसा यहाँ पर दिया जाता है। सबसे बड़ी विश्वास यानी हर महीने यानी हर 3 महीने के बाद एक किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाती है और जिससे किसान इससे काफी सारा उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये पैसा आपको डीबीडी के माध्यम से मिलता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है आपके बैंक खाते में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत डॉक्यूमेंट बेनिफिटरी जो है डायरेक्ट बेनिफिटरी ट्रांसफर जो है वो पैसा के माध्यम से आपको यहाँ पर दिया जाता है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को अभी तक 3,00,000 करोड़ जो पैसा है उनके हस्ताक्षर हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विश्वास की सबसे बड़ी योजना जो है वो सम्मान निधि योजना है और जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और काफ़ी सारी सरकारें किसानों को यहाँ पर जो पैसा है वो
4,000 रुपए भी देते हैं, यानी जो सरकार है उनको 2,000 रुपए जो है सरकार देती है और 2,000 रुपए राज्य सरकार यहाँ पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 3 करोड़ से अधिक जो है लाभ यहाँ पर मिल चुका है, वो भी सीधे बैंक खाते में किसानों के आ चुका है। यहाँ पर विप्स की सबसे बड़ी योजना जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इसके तहत किसानों को सीधा बेनिफिट आपके बैंक खाते में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक अनुमान है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की का जो इंतजार कर रहे हैं वो अब जल्दी ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। अगर आपके मन में और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प भी कर सके।